हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ क्लासेस। तो हम देखते हैं 4.1 के क्वेश्चन सेकंड का पार्ट फर्स्ट। देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले इसने क्या बता रखा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। फिर कहता है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। ठीक है गाइस, देखो ये जो लाइन होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसमें लिखा है जो द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखो ये लाइन थोड़ी हम क्या है, हमें थोड़ी जज करनी होती है, इसी के बेस पर पूरी इक्वेशन बनती है। ठीक है, कह रहे कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। देखो सबसे पहले हमें पता लगाना था कि हमें फाइंड क्या करना है, फिर उसी को लेट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या है, हमें ये पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर है 528, ठीक है, मीटर स्क्वायर जो भी है। तो देखो क्या मेरे पास 528 है, और जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू कितना, मेरे पास एरिया होता है, एरिया कितना है 528 है। ठीक है, देखो लेंथ इनटू ब्रेथ कितना 528 है, तो हमें क्या लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें सिंपल से सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ को लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट द लेंथ बी एक्स। गाइस देखो लास्ट तक पहुंचते आपको पूरा क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपका जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो लेट द लेंथ बी एक्स, हमने लेंथ को क्या एक्स लेट किया है। देखो उसके बाद ना क्वेश्चन में जो बोल रखा है उसने, ये जो लाइन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहता है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है, इसने क्वेश्चन में क्या रखा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट की जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से वन मोर देन है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दोनों को इक्वल रखना होता है। जब भी ऐसी बात आती है, ट्वाइस, टू मोर, थ्री मोर, ऐसी कभी बात आती है, हमें क्या है दोनों को पहले इक्वल रखना होता है। ठीक है, तो लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ। ठीक है, क्या है हमारे पास, लेंथ इज इक्वल टू क्या है, ब्रेथ है। तो लेंथ की देखो लेंथ क्या है मेरे पास, एक्स है, और ब्रेथ को भी हम एक्स से लेट कर लेते हैं एक बार। तो कह रहे हैं कि जो उसने कह रहा है जो लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस से वन मोर है। ठीक है, मतलब कि जो लेंथ उसकी है वो हमारे पास क्या है, जो उसकी ब्रेथ है उससे दो गुना है, फिर उससे एक ज़्यादा है। तो देखो जिसके बारे में हमें बोल रखा, उसने लेंथ के बारे में बोला है ना, जो जो चीज़ उसने लेंथ के बारे में बोला है, टू एक्स और मोर देन वन जो चीज़ बोली है, वो हमें उसके अपोजिट वाले में करना होता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी वही है, ये तो ऑलरेडी टू एक्स प्लस वन है। तो उस साइड में कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं इसको टू से मल्टीप्लाई कर दूँ और प्लस वन कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास ब्रेथ नहीं आ जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ ये आ गई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मेरे पास है लेंथ इज इक्वल टू जो ब्रेथ है, देखो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, मेरे पास एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन है। ठीक है गाइस, देखो ये जो लाइन बोल रखी थी उसने, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर इज ट्वाइस वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। ठीक है, इसका मतलब उसने लेंथ के बारे में बोल रखा है, देखो उसने लेंथ के बारे में बोला है ना, तो हमें उसके अपोजिट वाले में चेंज करना है, लेंथ और ब्रेथ है। ठीक है, उसने लेंथ के बारे में क्या रखा है, तो हमें क्या उसके अपोजिट वाले में चेंज करना होता है हमेशा हमें क्या बात ध्यान रखनी है, अगर इसे लेंथ के बारे में बोला तो ब्रेथ के बारे में चेंज करेंगे, अगर उसने बोला था ब्रेथ इज वन मोर देन ट्वाइस द लेंथ तो हम क्या करते हैं लेंथ में चेंज करते, लेंथ में बोल रखा है ब्रेथ में चेंज किया, अगर ब्रेथ में बोलता तो हम लेंथ में चेंज कर देते। ठीक है, तो देखो मेरे पास क्या इक्वेशन फर्स्ट आ गई, उसके बाद देखो हमें पता है ये मेरे पास क्या है, देखो एक तो देखो अब मैं इनसे क्या रखा है कि जो एरिया कितना है मेरे पास, एरिया जो है, एरिया है मेरे पास एल इंटू में बी, लेंथ इंटू में ब्रेथ। ठीक है, लेंथ कितनी एक्स है और ब्रेथ कितनी है टू एक्स प्लस वन है, तो एरिया कैसे निकालूंगा मैं, 528 इज इक्वल टू लेंथ इंटू में ब्रेथ, लेंथ कितनी है मेरे पास एक्स है और ब्रेथ है टू एक्स प्लस वन। ठीक है, ये है, तो इसको अगर मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ
तो मेरे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। तो इसको एक बार मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, एक बार इसको इससे करता हूँ, तो 528 इज इक्वल टू एक्स को जब मैं 2x से करूँगा तो आएगा 2x का स्क्वायर और प्लस x, ठीक है। 2x को जब मैंने 1 से किया तो कितना, 2x को जब मैंने 2x को x से किया तो 2x आ गया, फिर 1 से किया तो ठीक है ये मेरे पास x आ गया। अब क्या करूँगा, मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है मेरे पास, वो है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है, तो यही करना है हमें, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिखूंगा तो इसको मैं इस साइड ले जाऊंगा, ठीक है। तो 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस का 528 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, इसकी इक्वेशन बन गई। अब देखो जैसे गाइस, देखो जैसे मैंने ये किया और सारे सारे क्वेश्चन वैसे ही हो देंगे आराम से। गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम टाइम मिलती रहे। इसका जो सेकंड पार्ट है वो उसकी नेक्स्ट वीडियो में करा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।